होता है, बड़े बर्थडे गिफ्ट अच्छे होते हैं, बट बड़े और ढीले पोर्स बिल्कुल अच्छे नहीं होते। हाय, आई एम निया और आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू मेक योर पोर्स अपीयर स्मॉलर। अगर आप बी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे नए हो तो गो अहेड एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन पे टैप कीजिए ताकि आप अपडेटेड रहो विद आवर लेटेस्ट वीडियोस। एंड नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि पोर्स होते क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि पोर्स होते हैं छोटे छिद्र या छेद। अब हर इन छोटे छिद्र या ओपनिंग्स के ऊपर होते हैं हेयर फॉलिकल्स और यही हेयर फॉलिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिलीजिंग स्वेट एंड ऑयल। अब बड़े पोर्स स्किन पर होना या नहीं होना दैट डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक्स एंड द स्किन टाइप। मोस्टली लोगों को बड़े पोर्स पसंद नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि इन पोर्स की वजह से आपकी स्किन ब्रीथ कर पाती है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे फेवरेट टिप्स, ट्रिक्स और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपके पास फेस स्टीमर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑल यू हैव टू डू इज ग्रैब द बिगेस्ट बोल यू हैव इन द हाउस। इस बोल के अंदर आप गर्म पानी डाल दीजिए, उसके बाद में एक छोटा फेस टॉवल लीजिए, उस टॉवल को उस गर्म पानी के अंदर डाल दीजिए, फिर इस टॉवल को बाहर निकालिए, उसका सारा पानी निचोड़ लीजिए और फिर इस गर्म टॉवल को आप अपने फोर एरियाज पे प्लेस करें। इस स्टेप को 4 से 5 बार रिपीट कीजिए। गर्म टॉवल की वजह से आपके पोर्स नेचुरली एक्सपांड हो जाएंगे एंड इन जनरल एक्सपांडेड पोर्स को क्लीन करना काफी आसान और लेस पेनफुल होता है इन कंपेरिजन टू क्लीनिंग ड्राई पोर्स। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू पोर्स इज क्लॉगिंग। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेशली फॉर ऑयली स्किन टाइप आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि दैट यू कीप योर स्किन सरफेस क्लीन। मेरा फेवरेट है ये है पॉन्ड्स का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश। इसकी खासियत ये है कि एक तो इसकी फॉर्मुलेशन जेल है और इसके अंदर है सिलिका बीड टेक्नोलॉजी। ये जो छोटे सिलिका बीड्स होते हैं ये आपके पोर्स के अंदर घुस के उसके अंदर का डर्ट और ऑयल निकाल देंगे। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इस फेस वॉश को दिन में 2 बार यूज करें, एक तो सुबह और एक शाम को जब आपको लगे कि आपके फेस पे बहुत चिपचिप हो रही है। ऑल्सो जब आप फेस वॉश को आपके चेहरे से निकाल रहे हो तो सबसे पहले यूज कीजिए गुनगुना पानी और उसके बाद में यूज कीजिए ठंडा पानी। ठंडे पानी को एंड में यूज करने का फायदा ये है कि जो ठंडा टेम्परेचर होता है वो आपके पोर्स को श्रिंक कर देगा। तो फेस को क्लेंस करने के बाद मैं यूज करती हूँ एक पोर फिक्सिंग टोनर लाइक दिस वन। ये है लैक्मे एब्सोल्यूट पोर फिक्स टोनर। इसे यूज करने के लिए बस एक कॉटन पैड ले लीजिए, उसके ऊपर टोनर को स्प्रिट्स कीजिए और फिर चेहरे पे लगा लीजिए। इस टोनर की खासियत ये है कि ये डल स्किन को एनर्जाइज करता है, ये एक्सेस सीबम को कंट्रोल करता है, पोर्स की इम्प्योरिटीज को निकालता है, उन्हें टाइटन करता है और उन्हें अनक्लॉग्ड रखता है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विद लार्ज पोर्स। ऑल्सो इम्पॉर्टेंटली इस टोनर के अंदर कोई अल्कोहल नहीं है तो इसे लगाने के बाद में आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। एज एन एडिशनल स्टेप फॉर लार्ज पोर्स आपको एक अच्छे प्राइमर में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ पोर्स की अपीयरेंस को मिनिमाइज कर सकते हो और इस अपीयरेंस को मिनिमाइज करने के लिए प्राइमर एक आइडियल प्रोडक्ट है। अब अगर आप एक अच्छे प्राइमर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आई वुड रेकमेंड दैट यू इन्वेस्ट इन अ जेल बेस्ड प्राइमर लाइक दिस वन। ये है लैक्मे एब्सोल्यूट अंडरकवर जेल प्राइमर। ये आपके चेहरे के ऊपर एक परफेक्ट कैनवस क्रिएट करता है, इससे पोर्स एकदम छोटे नजर आते हैं, ये आपके मेकअप को लंबे समय तक बने रखता है। ऑल्सो जो फाउंडेशन आप लगाओगे वो आपके पोर्स के अंदर जाके सेटल नहीं होगा। बस प्राइमर को लगाते वक्त एक मोटी परत लगा लीजिए और प्राइमर को लगाते वक्त एक चीज का ध्यान रखें कि उसके स्किन के अंदर पैट कर दीजिए, उसे रब मत कीजिए। अगर आप डेली बेसिस पे मेकअप लगाते हो और अगर आपके चेहरे पे लार्ज पोर्स है तो फिर आपको इस मेकअप को डेली बेसिस पे निकालना भी उतना ही जरूरी है टू मेंटेन क्लीन पोर्स। माय फेवरेट वे टू रिमूव मेकअप इज बाय यूजिंग माइसेलर वाटर। अगर आपको माइसेलर वाटर क्या है ये पता नहीं है तो मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अबाउट माइसेलर वाटर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करने वाली हूँ, डू चेक दैट आउट। नाउ माय फेवरेट पिक फॉर माइसेलर वाटर इज दिस वन राइट हियर। ये है सिंपल का काइंड टू स्किन माइसेलर क्लेंजिंग वाटर। इसकी खासियत ये है कि ये बना हुआ है ट्रिपल प्यूरिफाइड वाटर से और इसमें मल्टी विटामिन भी है। सो ये ना ही सिर्फ आपके मेकअप को निकालेगा बट आपके पोर्स को साफ रखने में भी मदद करेगा। इसे यूज करने के लिए बस कॉटन पैड ले लीजिए, उसके ऊपर इस वाटर को पोर कीजिए और फिर सर्कुलर मोशंस में सारे मेकअप गंक ऑयल सब चीज को निकाल लीजिए। अगर आपके चेहरे पे लार्ज पोर्स है तो आपको हफ्ते में एक बार सूदिंग क्ले मास्क यूज करना जरूरी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी ये क्ले मास्क। ये है डर्मोलॉजिका का सीबम क्लियरिंग मास्क।
ये आपके ब्रेकआउट्स को चेक में रखेगा, एक्सेस ऑयल को अब्सॉर्ब करेगा और क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड है ये आपके पोर्स को भी क्लेंज रखेगा। साथ ही डिड यू नो इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी त्वचा को बुढ़ापे की निशानियों से लड़ने में मदद करेगा। इसे लगाते वक्त क्लीन चेहरे पे और नेक एरिया पे इसे लगा लीजिए। 10 मिनट इस मास्क को सूखने दीजिए, उसके बाद में गुनगुने पानी से पूरे मास्क को निकाल लीजिए। अब ये जो स्टेप है वो आपके स्किन केयर रूटीन में काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपको लार्ज पोर्स है, वो है अप्लाइंग सीरम। सीरम एक बहुत ही पोटेंट ब्यूटी प्रोडक्ट है जो बहुत ही एक्टिवली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूलाज में अवेलेबल होता है। इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो आपके स्किन के डीपेस्ट लेयर्स तक पहुंच जाते हैं जो आपकी स्किन को इफेक्टिवली बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अब मार्केट में हर तरीके के फेस सीरम्स हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी लैक्मे एब्सोल्यूट आइडियल टोन रीफिनिशिंग नाइट कॉन्सेंट्रेट। ये बहुत ही पावर पैक्ड लाइट वेट कॉन्सेंट्रेटेड सीरम है जिसके अंदर पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट है जो आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करेगा, विच मीन्स डेड स्किन सेल्स को निकालेगा। साथ ही इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके पोर्स को क्लॉग होने से रोकेगा। एंड दिस फॉर्मूला इज क्लिनिकली प्रूवन टू इम्प्रूव डल एंड अनइवन स्किन टोन, विच मीन्स ये आपके स्किन के क्लैरिटी और टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेगा। अब मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इस नाइट कॉन्सेंट्रेट को हफ्ते में 3 बार यूज करें। इसे लगाते वक्त पहले इसे पूरे चेहरे पे डॉट कर दीजिए और उसके बाद में उसे पैटिंग मोशंस में चेहरे के अंदर मर्ज कर दीजिए। आप नोटिस करोगे कि जब भी आप ये नाइट कॉन्सेंट्रेट लगाओगे आपको एक टिंगलिंग सेंसेशन फील होगी, बट दैट जस्ट मीन्स कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क कर रहा है ऑन योर स्किन। ड्यूरिंग द डे सीरम लगाने के बाद में सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी स्किन यूवी रेज को सेंसिटिव हो सकती है, इसीलिए सनस्क्रीन इज नॉन नेगोशिएबल। बट मैंने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना है कि सनस्क्रीन से मेरे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं फलाना ढिमका। फैक्ट ऐसा है कि सनस्क्रीन आजकल इतने अमेजिंगली फॉर्मुलेटेड है, इतने लाइट वेट है, नॉन कॉमेडोजेनिक है कि वो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेंगे। इनफैक्ट सनस्क्रीन लगाने से आपके कोलाजन लेवल्स मेंटेन रहेंगे क्योंकि ये कोलाजन लेवल्स जब ड्रॉप हो जाते हैं तब आपके पोर्स बड़े और ढीले हो जाते हैं, इसीलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। उम्मीद है ये टिप्स ट्रिक्स और प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस आपको लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम्स को सुलझाने में मदद करेंगे। मैं मिलूंगी आपको अगली बार। जाने से पहले बी ब्यूटीफुल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन पे टैप कीजिए ताकि आप अपडेटेड रहो विद आवर लेटेस्ट वीडियोस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस। We'll be right back.